औद्योगिक इंसिलरी एसोसिएशन और आम लोगों की शिकायत पर दुर्ग पुलिस ने कबाड़ के व्यापार करने वालों के यहाँ आज सुबह से ही दबिश दी है और पुलिस ने दुर्ग भिलाई के कबाड़ियों के गोदाम में वाहनों के कलपुर्जे और लोहे के सरिया व साथ ही बीएसपी से चुराए गए लोहे बड़ी मात्रा में बरामद किया है। आपको बता दें कि पुलिस कबाड़ियों के गोदाम को सील और साथ ही प्रतिबंधित करने के बाद बाउंड्री ओवर करने की तैयारी में जुटी हुई है। दुर्ग पुलिस के द्वारा आज दुर्ग शहर के जितने भी कबाड़ी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। इस अभियान के तहत हम लोगों ने टोटल 44 कबाड़ी के गोडाउन पर छापा मारा और इसमें 25 ऐसे गोडाउन हैं जिसमें आपत्तिजनक सामग्री मिलने पर उनको सील किया गया है और उनको नोटिस थमाया गया है। 15 ऐसे कबाड़ी के कारोबारी हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है। टोटल इसमें 150 जवान, 14 निरीक्षक और 35 टीम बनाई गई थी और कबाड़ी और अवैध कारोबारियों के खिलाफ ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।